नमस्कार, मैं हूं नव्या। ये बात करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की। अभी कुछ वक्त नहीं बीता है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस के तहत जेल की हवा खानी पड़ी थी। उन्हें क्रूज ड्रग्स केस मामले में जेल हुई थी। इस केस को समीर वानखेड़े ने ही लीड किया था। इस केस के बाद शाहरुख खान के बहुत फजीहत हुई थी और पूरा बॉलीवुड शॉक था। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ कमर कस ली गई है। उन्हें घर पर सीबीआई ने छापेमारी की और एफआईआर भी दर्ज करा दी। अब समीर की मुश्किलें बढ़ आ रही हैं। मामले की बात करें तो एनसीबी के फॉर्मर जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस मामले में समीर वानखेड़े पर केस के दौरान 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके अलावा खबर है कि इस दौरान 50 लाख रुपए ले लिए गए थे। समीर के अलावा 4 अन्य ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके 25 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की गई। जो आरोप समीर वानखेड़े पर लगे हैं उसे गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि ये बात तो पहले ही चल रही थी, लेकिन इस पर अभी शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें समीर वानखेड़े की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे समेत उनके कुछ दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया। आर्यन ने करीब 20 दिन जेल में बिताया जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। फिलहाल आर्यन को इस मामले में अदालत की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।